उत्तर प्रदेश चुनाव लास्ट चरण में है और गर्मियां लगातार चुनावों को लेकर बढ़ती जा रही हैं। भाई साहब गन्ने की पेराई कर रहे हैं, रस यहाँ से निकाल रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं गर्मियां बढ़ रही हैं और पारा सियासी चढ़ रहा है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या माहौल है उत्तर प्रदेश के लास्ट चरण का, जो यहाँ पे आजमगढ़ में अभी हम लोग हैं। क्या नाम भैया आपका? इंदल निषाद। इंदल निषाद, कब से आप ये गन्ने की पेराई कर रहे हैं? दस दिन से। 10 दिन से? अच्छा, इससे पहले आप किए थे नहीं ये काम? किए थे। अच्छा, कर रहे थे, अभी इस सीजन में 10 दिन हुआ है। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? ठीक ही ठाक चल रहा है। कौन सी पार्टी का ठीक ठाक चल रहा है? कुछ नहीं पता लग रहा है। कुछ पता नहीं लग रहा है? नहीं। अरे किसको समर्थन कर रहे हैं? हम? हाँ, हमारा तो टोटल लिस्ट में नाम ही नहीं है। टोटल लिस्ट में नाम है नहीं है? डलाए। अच्छा, डलाए ही नहीं। कहाँ है? बस वैसे ऐसे वोट देने के लिए, मतलब नहीं डरा। भर्ती आ रही है क्या करेंगे? क्या नहीं आ रही है? ना कोई भर्ती आ रहा है ना कुछ, वोट देकर क्या करेंगे? हाँ, वोट देके क्या करेंगे? इस तरीके से तो यार सब करेंगे तो फिर देश तो सत्यानाश हो जाएगा। क्या करें, जब भर्ती एज खत्म हो रही है, एज भी नहीं छोड़ देंगे। मतलब 18 साल का हो गए हैं, वो 20 साल हो गई है। पढ़ाई आपने की है? हाँ, बीए कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर है? सेकंड ईयर है। सरकार से काफी नाराज लग रहे हैं? हाँ एकदम नाराज है। हाँ एकदम। और भी कुछ लोग हैं काफी नाराज लग रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं वोटर लिस्ट में हमने नाम ही नहीं डलाया, वोट देने का झंझट ही खत्म। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम भैया आपका? श्रीप्रसाद। श्रीप्रसाद, एक गमछा लाल रंग का है, क्या मतलब है इसका? मतलब कुछ नहीं है, अपने अपने लिए रखे हैं, क्योंकि आजकल गमछा को देख के लोग भाप जा रहे हैं। क्या करते हैं आप? जी यही कारीगरी करते हैं। कारीगरी करते हैं? कैसी कारीगरी करते हैं? जी जुड़ाई का। चुनाव में भी कारीगरी हो रही है कि नहीं? नहीं नहीं। कौन सी पार्टी जीत रही है? अब हमको क्या पता। हम, अरे आप किसको समर्थन कर रहे हैं? हम किसी को, अभी माहौल ही नहीं बन रहा। माहौल नहीं? अरे अभी 7 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, आज 3 तारीख, आप कह रहे हैं माहौल नहीं बन रहा है, आप कौन माहौल चाहिए? अरे देखा जाएगा अभी ने। अच्छा, समय बताए तो ये बताइए जो वर्तमान सरकार है सही काम कर रही है कि नहीं? वैसे ठीक ही ठाक कर रही है। ठीक ही ठाक कर रही है। तो आप चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो? अब जनता चाहेगी तो हम भी चाहेंगे। अच्छा, आप चाहेंगे, जनता अगर नहीं चाहेगी तो आप भी नहीं चाहेंगे जी। अच्छा अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, युवा बेचारे हैं, आइए बातें करते हैं। क्या नाम आपका? प्रियांशु गुप्ता। प्रियांशु गुप्ता वोट देते हो कि नहीं? अभी हमारा उमरिया नहीं हुआ। उमर नहीं? ये दुकान तुम्हारी है क्या? हाँ। ये दुकान कब से चला रहे हो? 5 साल से। क्या क्या बनाते हो? बनाते तो बहुत कुछ बनाते हैं, मतलब चाट चाउमीन फुल्की बर्गर ये सब बना रहे हो। तो कितने दिन से काम कर रहे हो यहाँ पे तुम? अरे 2-3 साल से कर रहे हैं। 2-3 से? क्यों, पढ़ाई वढ़ाई नहीं की क्या? करते हैं। पार्ट टाइम में होता है क्या? अरे तो छुट्टी चली है हम लोगों की, तो हम लोग अभी छुट्टी क्यों चल रही है? अरे परीक्षा, प्री बोर्ड वालों की परीक्षा हो रहा है, हम लोगों की छुट्टी चल रही है। प्री बोर्ड वालों की परीक्षा हो रही है, इसीलिए आप किस क्लास में? 9th वालों की छुट्टी चल रही है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी है हमारी कि अगर प्री बोर्ड का एग्जाम होगा तो कॉलेज स्कूल बंद हो जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, आइए बातें करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? बेचन राजभर। बेचन राजभर, ये बताइए क्या करते हैं आप बेचन जी? जी काम करते हैं मिठाई का। अच्छा, मिठाई की दुकान आपके पास, तो क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी यहाँ से, खासकर क्या माहौल है चुनाव का? ठीक है जी, माहौल तो ठीक है, चल रहा है। ठीक चल रहा है। कौन सी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं जी? हम जो कर रहे हैं हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तब भी आपको ये योगी जी अच्छे काम लग रहा है कि बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है जी, कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं। अखिलेश आने वाले हैं कि नहीं आपको लगता है ऐसा? नहीं नहीं, अब तो बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे, 11 तारीख को बाद में बताएंगे। 10 तारीख के बाद ना। ओ, और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब गुटखा खा रहे हैं क्या? ये गुटखा खा रहे हैं भाई साहब, कब से गुटखा खा रहे हैं पहले तो यही बताइए। करीब 2008 से। कितनी साल है उम्र आपकी? 38। गुटखा खाने में क्या मतलब, मजा आता है? मजा आता है। अच्छा अच्छा, एक बार बताइए क्या करते हैं आप? अरे पहले पढ़ाई कर रहे, छोड़ दे। अभी पहले पढ़ाई करते थे, अभी 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 आप कह रहे थे हम बतिया नहीं करेंगे। पहले आप पढ़ाई करते थे, अभी छोड़ दिए हैं, तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं, लास्ट चरण का मतदान यहाँ पे है आजमगढ़ में, किस पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं? सबका अपन अपन पार्टी है, अपन अपन पार्टी है, तोहरो कौनो हो? लेकिन कौन भाई, अब ये बढ़िया काम करियो एक दई जाइयो। अच्छा, एक बार बताइए, ये बढ़िया काम करियो ओके वोट दई जाइयो, का लागत बाकी योगी जी बहुत बढ़िया काम करें कि ना? अपने जगह पर योगी बढ़िया काम करना, अखिलेशो बढ़िया के लिए, अखिलेशो बढ़िया करना। ये तो आप बड़ी डिप्लोमेसी बतिया रहे हैं, खुल के नहीं आ रहे हैं किसको वोट देंगे।
जनता जागरूक हो चुकी है, नेता जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। एक बात बताइए, आप चाहते हैं कि सत्ता में रहें योगी जी की नहीं, ये बताइए पहले। ये समय समय एक बात, अगर समय आइए तो रहिए, ना रहिए तो ना रहिए। अच्छा भाई साहब, खुल के नहीं आए। और भी कुछ लोग हैं। चाचा क्या नाम आपका? नंदलाल। नंदलाल क्या करते हैं चाचा आप? दवाई बेचते हैं क्या? दवाई बेच रहे हैं। ये कैसी दवाई आप बेच रहे हैं? ये पथरी पीलिया भैंसी की। अच्छा, पथरी पीलिया और बवासीर की। ये बताइए पथरी ये सब कैसे, मतलब? आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक है तो आपके पास सर्टिफिकेट है कोई? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसा खरीद रहे हैं सब? हाँ, घर पे आते लोग। अच्छा, घर पे आते हैं आपके? ठीक हुए नहीं कुछ लोग? बहुत ठीक हुए हैं। तो आप कैसे दे रहे हैं दवा? 500 खुराक पिलाते हैं। अच्छा, एक पथरी की ठीक हो जाएगी, गारंटी है? पथरी कितनी हिसाब से बताते हैं, सोनोग्राफी देखने के बाद पिलाते हैं। अच्छा, सोनोग्राफी आप देखते हैं तब? तो सोनोग्राफी आप कैसे देखते हैं, आपकी जानकारी है इसके बारे में? जानकारी तभी ना बोलो। अच्छा अच्छा, जानकारी आपको है इसके। आपने दवा बनाना, आप दवा बनाते हैं आप, है कोई बनाता है, लेके आते हैं? गरीब बनाते हैं। अच्छा, घर आप खुद बनाते हैं? तो कहीं पढ़ाई की थी आयुर्वेद की, या फिर ऐसे ही प्रैक्टिस? प्रैक्टिस है। तो ये चल रहा है अभी, कितने दिन से ये काम कर रहे हैं आप दवा देने का? 25-30 साल हो गया। 25-30 साल हो गया, उम्र ही बीत रही। अच्छा, उम्र आपकी बीत गई। एक बात बताइए, चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है आपको? क्या लगेगा, किसको बताएं? कौन सी पार्टी जीत रही है? ऐसे उम्मीद हमें हाथी की। हाथी की है? क्यों ऐसा, हाथी को क्यों लग रहा है? कि योगी जी से नाराज हैं क्या आप? हम नाराज किसी से नहीं है। हाँ। जिसका जिसको माहौल समझ रहा हूँ उसे। अच्छा, माहौल लग रहा है मायावती जी का है। तो आपको लगता है कि वो आएंगे? शायद। बेहतर काम रहेगा उनसे, योगी जी से? अब देखिए, उनकी मर्जी है। अच्छा, आने को पर बताइए, आप कह रहे हैं माहौल के अनुसार बदलते हैं क्या आप? ना ना, माहौल से आप नहीं। हाँ। हम जब भी वोट दिए हैं, इन्हीं को दिए, किसी को दिए नहीं। अच्छा। हाँ, जीते या ना जीते मतलब नहीं। अच्छा, आप बसपा को वोट देते ही हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपके हिसाब से मायावती आ रही हैं। चाचा क्या नाम है आपका? दयाराम नाम। दयाराम जी। चाचा कितनी उम्र है आपकी? होगी करीब करीब, मैं तो 70 के ऊपर ही है। 70 के ऊपर है। इतने साल आप देख रहे हैं दुनिया को, सरकार बढ़िया काम कर रही है नहीं है वाली? नहीं, कर तो रही है। कर तो रही है, झूठ काहे बोल रहे हैं। हाँ, जैसे कौन कौन से काम आपको बेहतर लग रहे हैं? अब एक जो सरकार चल रही तो ठीक ही है। ठीक ही है। हाँ। आपके हिसाब से नया आवक चाहिए फिर? हाँ, और छोटवा फिर बीजेपी की आपकी? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो काम उनको बढ़िया, राशन मिल रहा है नहीं आपको? नहीं, काम ठीक है। ठीक है, काम ठीक। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो साहब कानपुर रहते थे। अच्छा, कानपुर रहते थे आप? हाँ। अभी यहाँ रह रहे हैं? अब घर पे रह रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ। ये कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं जो बात कर रहे हैं। चाचा बता रहे हैं कि सरकार बेहतर है और बेहतर काम करेगी और कर भी रही है। और भी कुछ लोग कैमरे के पीछे खड़े हैं, जरा मूवमेंट करिए कैमरे का, लोगों को दिखाइए। भाई साहब एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। क्या नाम है आपका? आयुष पाठक। आयुष पाठक, पाठक आगे आ जाइए। क्या करते हैं आयुष सर? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई किस क्लास में है? नाइन्थ में। आपकी भी छुट्टी चल रही है प्री बोर्ड की वजह से कि पढ़ाई हो रही है आपके स्कूल में? पेपर चल रहा है। आपका खुद एग्जाम चल रहा है, तो क्या बनना है आपको सर? कैसे बताते, नेता होता अच्छा लगते हैं कि नहीं? कोई कोई नहीं, एक को नेता अच्छे नहीं लगते का है? अपने सर अपने काम के लिए सब लोग काम करते हैं। अच्छा, नेता अपने काम के लिए सब काम करते हैं। भाई साहब सही बात खेल गए, बोल गए। तो नेता होने में इंटरेस्ट नहीं है? राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं? बड़े होकर क्या बनना है सर? बड़े होके अभी तो देखेंगे। अभी देखेंगे, नौ में पहुंच गए हो। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपके स्कूल का सर? विद्यावती इंटर कॉलेज। विद्यावती इंटर कॉलेज में भाई साहब हैं, बता रहे हैं नेता होता सब स्वार्थी हैं अपने अपने काम के लिए, इसीलिए नेता में हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल राजनीति में है नहीं। और भी कुछ लोग हैं, आइए बातें करते हैं। जाइए, क्या नाम है आपका? मेवालाल। मेवालाल आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अच्छा, क्या चाचा करते हैं आप? बैग वैग लेके घूम रहे हैं? नहीं सर, मैं तो मजदूरी का काम, मजदूरी करता हूँ। तो आप मजदूरी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको माहौल, किस पार्टी को लग रहा है कि आपको जीत जाए? माहौल क्या बताऊं, माहौल तो सपा का लग रहा है। सपा को लग रहा है? ऐसा क्यों सपा को लग रहा है? योगी जी से आप खुश नहीं है क्या? नहीं, ये तो भाजपा सरकार जो संविधान का विरोध करती थी। हाँ, हम धर्म निरपेक्ष देश के वासी हैं भारत, हम धर्म से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं। हमारे देश को शिक्षा चाहिए बेहतर, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, रोजी चाहिए, राशन देकर भीख नहीं लेना, नौकरी मिल जाएगी, रोजी मिलेगी। हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, हम इसी में हमको शांति मिलेगी।
नहीं, भाजपा सरकार सरकार तो आज तक कोई आई है नहीं आएगी। मोदी और योगी जी कह रहे हैं हमारी बड़ी सुंदर सरकार है, बड़ी। अरे वो झूठ का फूल है, झूठ का फूल। नहीं, भाजपा इसके अलावा सपा हो या बसपा, भाजपा नहीं रहनी चाहिए, चाहे सपा है चाहे बसपा है। बहुत ज्यादा तंग है क्या चाचा? बता रहे हैं बता रहे हैं कि भाजपा ना आए, सपा और बसपा में कोई आ जाए, सपा और बसपा में कोई भी आए। भाई साहब है, क्या नाम है भैया आपका? नीरज गुप्ता। नीरज गुप्ता, इत्तेफाक से हमारा नाम भी नीरज ही है। जी जी ना। तो चाचा एक मिनट, क्या करते हैं नीरज जी आप? कारोबार है, स्वयं से कारोबार। अच्छा, लोहे का कारोबार है। क्या भाव चल रहा है लोहा इस समय? तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इससे ज्यादा कभी हुआ था? नहीं, इससे ज्यादा नहीं हुआ। हालात खराब है, हालात इसलिए खराब हो, कोई कारण होगा ना? एक बार बताइए, चुनाव आजमगढ़ में लास्ट चरण में दो चार दिन बाद होने वाले हैं चुनाव, 7 तारीख को, कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं आप? सपा। कारोबारी है इसलिए परेशान है क्या आप बीजेपी? बीजेपी से बहुत परेशान है, परेशान। इतनी महंगाई कभी आई ही नहीं। हालात ऐसे है कि जहाँ 10 रुपये मिला था, 2 रुपया मिल रहा है काम करके, वर्क करने के बाद वहाँ 2 मिल रहा है। दिक्कतें क्या है सरकार में फिर आपके लिए? कारोबारी आप हैं तो खासकर आपके कारोबार में क्या दिक्कत है? आज इसी 6 महीना पहले, साल भर पहले हम लोग किलो पीछे 15 रुपये 17 रुपये पाते थे, आज स्थिति है कि 10 रुपये 9 रुपये 8 रुपये काम कर रहे हैं। सही ढंग से वर्कर को पेमेंट नहीं हो पा रहा है, लॉस जा रहा है, दिन प्रॉफिट हो नहीं रहा, प्रॉफिट हो नहीं रहा, सब जो भी हो रहा है एकदम से बराबर हो जा रहा है। शांत सिंह यहाँ से उम्मीदवार है पार्टी, क्या उसका माहौल नहीं है क्या? सपा आपको लगता है कि अगर सपा आएगी तो महंगाई कम करेगी? था इसके पहले उस हिसाब से लग रहा है, आज के 5 साल पहले था वही। इसके पहले योगी जी भी मोदी जी भी ने कहा आ रहे हैं आपके पास भी आ रहे हैं बात इनसे, योगी जी भी कह रहे थे इससे पहले कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम कर दिए, क्या कर रहे हैं? वही बात पूछ रहे हैं, अखिलेश भी ऐसा बोले अगर नहीं, अखिलेश तो किए थे 5 साल पहले थे उसी में, आज कह रहे हैं तो उनके ही पीछे सब भाग रहे हैं भाई, करेंगे थे इसके पहले, करेंगे भी। आप बोला बताओ क्या कहा था? सब किस्सा हमारे गेहूँ खाएगी ने आटा फाटा दिया है दुनिया जानती है, गाय हटी ना सत्ता हिबे न करे, सत्ता बहुत फेल सब फेल है। माहौल में अनिल पंकज जी क्या करते हैं? ये आप ही दुकान है फल वाले, ठेले पे आपने फल लगाया वही ना आपके? लग रहा है कि फल महंगे हुए हैं, पहले अभी कैसा दाम कभी ऐसा हुआ नहीं था जितना महंगा आज है। कस्टमर एक भी नहीं आ रहे, नहीं कस्टमर महंगे हो गए हैं फल और कस्टमर एक भी नहीं आ रहे, बड़ी दिक्कत सरकार तो करे, महंगाई तो काबू में है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई चीज नहीं सरकार सब डबल डबल क्या होता है? सरकार आने के लिए नहीं है ये सरकार, सपा 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 कहा है तो महंगाई कम कर देंगे क्या? ये नहीं, जो पैसा था आज के डेट में नहीं, पास पैसा दिखाई नहीं, पैसा था क्या हुआ देख रहे हैं आप, ये सब माहौल बाजार का हालत खराब है, दुकान छोड़ कर घूम रहे हैं, दुकान छोड़ के भाई साहब घूम रहे हैं और सरकार बता रही है कि सबकी आय दुगनी हो रही है। फिर भी सरकार में हमारे यहाँ रौला से कप्तानगंज तक रोड अभी चुनाव सर पे है, लेने वाला है, पहले से भी यहाँ हमारे लक्ष्मी है वो बहुत हड़ताल, लेकिन आज तक ये रोड कभी बना नहीं, कभी नहीं बना। इसकी देखिए आप स्थिति तो बहुत ही खराब है, रोहांचल एक्सप्रेस से 500 मीटर दूर होगी ये लगता है, और सरकार दावा कर रही है विकास बहुत है लेकिन इस रोड की हालत बहुत खराब भी नहीं की एकदम रोड की जो भी आज इतने साल से
दस साल करीब हो गया है। कौन सी पार्टी जीत गया? कौन सी पार्टी इसमें बता रही है? बात बताइए, मायावती ने जिस तरह से भाषण दे रही है, लोगों का ये कहना है कि अगर माया बहुमत से सरकार नहीं आती है तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है ना, आपके हिसाब से सपोर्ट कर रही है बीजेपी, सही लगेगा आपको? सरकार लेता है वो क्या कह सकते हैं, हम लोग कह रहे हैं अगर मायावती सपोर्ट कर रही है लोग जो दलित वर्ग है वो कह रहे हैं वोट छपा हो सकता है, भैया 40 रुपए से नीचे हुई है जी, पहले पहले अच्छा आप अपने भाई साहब क्या नाम? सोनू गुप्ता जी हैं, वो बड़े परेशान लग रहे हैं, व्यंग भी बोल रहे हैं योगी जी पे और कुछ हंसी मजाक के लहजे में बातें कर रहे थे, और भी कुछ लोग हैं आगे ऐसा कहना है आपने इंद्रजीत पांडे जी, क्या लगता है आपको? सब लोग बता रहे हैं झूठा है सब बात है, नहीं तो हम जान रहे झूठा सब बात है, माओ कर ले सब वोट में बीजेपी एक दी सरकार ने भी दोनों मांगा है वो देर पाए मांगा हुए बांटे ना, हाँ राशन दे रहे हैं 2000 रुपया दे रहे हैं सम्मान तो लेगा जनता हो ना, जनता ने तुम्हें लागत बात की है काफी नाराज भाई होगी पर सप्ताह से आपकी जानकारी बात आप कहा करते हैं आप सर्विस में रहे लेक्चरर अभी आप रिटायर यहाँ पे चाचा है जो बता रहे हैं कि जी बेरोजगारी का मुद्दा थोड़ा है ना, आपको नहीं लगता कि ध्यान देने थोड़ा बेहतर हो जाए, फिर भी आपको लगता है कि बीजेपी बेहतर काम अगर सरकार से कर रही है? चाचा इंद्रजीत पांडे जी हैं और बता रहे हैं कि सब ये सब जो है बोल रहे हैं यहाँ के निवासी वो बोलने दीजिए ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं कोटवा तो बीजेपी हो जाएगा, सत्याराम भैया महाबिंद निषाद चाचा की बात से आप सहमत हैं क्या? सहमत है, गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, राशन मिल रहा है। तीन बार गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के दौरान सब्सिडी वाला गैस आपको दिया था, ऐसा कि फ्री गैस कभी मिला आपको किसी होटल में? दो वक्त की रोटी रोजी भी मिल रही है, पढ़ाई नौकरी कैसे मिलती है? पूरा लिखोगे नहीं काम नौकरी? लॉकडाउन के दौरान गुंडागर्दी खत्म हो गई, यहाँ की बहन बेटी सुरक्षित है, यहाँ पे गुंडागर्दी एकदम खत्म हो गई, कहीं कहीं चला काम वहाँ बंदूक वहाँ बंदूक बंदूक चल रही कहीं बात सही है। तेजू यादव, तेजू यादव ये नाम से पता चल रहा है कि आप सपा के समर्थक हैं, सही है क्या? क्यों नहीं सही है, सही सपा सपा यादव है इसलिए नहीं थी नहीं सरकार सुन है, हम लोग आय दोगुनी करने के लिए कौन किसानों की आय दोगुनी हो गई 2022 में मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर, हाँ दोगुनी नहीं क्या दोगुनी कुछ नहीं हुई, परेशानी हुई, खाद 5 किलो कम हो गई या 5 किलो खाद कम हो गई और जो है खाद का दाम बढ़ गया, न समय से खाद मिली न पानी मिला, सरकार से क्या फायदा हमको? किसान ही करते हैं, बिल्कुल किसान ही करते हैं, सही समय तो नहीं रही हो रही है नहीं कुछ बस ये लाइट की व्यवस्था बता रहे हैं कि हमने 18 घंटा गांव में कर दी लाइट उठाती है, लाइट कभी कभी आती है कभी कभी कट जाती है, समय से नहीं वो भी नहीं रहती, ये समस्या सरकार जो अच्छी हो जो किसानों के हित में काम करे, डीजल सस्ता हो, किसानों को समय से पानी मिले, किसानों को खाद मिले, बीज मिले, तब तो अच्छा है, जब नहीं मिलता है तो उस सरकार से रहने से क्या फायदा है? क्या फायदा है? यही तो दावे करके आई थी सरकार, हाँ यही तो परिक्रमा कर आई थी, लेकिन सब वादा उनका झूठा निकला, कोई बात सच्ची नहीं निकली। चाचा बता रहे हैं कि ये सब झूठे बोल रहे हैं, सब वोट बीजेपी जाएगा। अरे भाई जो जो जो
जिसका मर्जी हो जो कहे उसके लिए कोई क्या कर सकता है, सबका अपना अपना विचार है। काहे झूठ बोलब जो पहले रहने तो कहिए ना काहे झूठ बीजेपी योगी दावे करते हैं उज्ज्वला योजना के तहत गैस 1,000 रुपया है, पूरे भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि विकास हुए हैं ऐसा लोग बता रहे हैं, कोई विकास हुआ नहीं है। भाई साहब कमछा लपेटे हैं, आप समझ जाइएगा किस कलर का है। आजकल रंग से पहचान हो रही है व्यक्ति विशेष की, किसी भी व्यक्ति की। लाल टोपी कहीं कहीं पे भगवा, क्या नाम भैया आपका? विनय सिंह। बीजेपी कार्यकर्ता है, बूथ लेवल कार्यकर्ता है, कुछ कार्यकर्ता है तो आप तो कार्यकर्ता है, एक बात बताइए क्या मुद्दे लेकर चुनाव प्रचार में आए? विकास का 5 साल विकास नहीं कर पाएगा। पूर्वांचल के दावे तो अखिलेश भी कर रहे हैं, एक बात बताइए पूर्वांचल का आप दावा करते हैं फिर इसका दावा कौन करेगा? इसका भी तो कोई दावा करेगा ना, हमने विकास किए हैं। आप कार्यकर्ता है वही तो इसका दावा कौन करेगा? बात आप कर सकते हैं भैया एक मिनट शांत हो जाइए जरा। पहले जानवर बताइए, बात बताइए हमारे इसके पास खाने के लिए उड़ान क्या पहुँचा? अगर इसके पास खाने के लिए नहीं है वो सार क्यों पालेगा? लोग यहाँ अपने पेट भर ही नहीं पा रहे, सार को छोड़ेंगे नहीं तो क्या करेगा? गौशाला बनिए, गौशाला कितनी बनी है आप एरिया बता दीजिए जरा, यहाँ आप एरिया कितनी गौशाला है? हमारे यहाँ तो हम लोग ले जाते हैं गौशाला। कितनी गौशाला है हमारे यहाँ है, हम अपने यहाँ ले जाते हैं। आप यहाँ है, आप दूसरे की जिम्मेदारी नहीं लेते हो ना? अच्छा हाँ, आप ये कौन सा गौशाला है? कौन सा? हमारे बिंदुई है। बिंदुई बस आइए के पास। अच्छा तो आप और भी कुछ लोग हैं, आइए बातें करते हैं। भाई साहब बीजेपी के कार्यकर्ता थे, क्या नाम भैया आपका? ब्रजेश यादव। भैया तो आप तो एक तरफ बीजेपी, हमें लगता है आप सपा होंगे, कह रहे हैं विकास का मुद्दा लेके जाए। अरे कुछ नहीं, विकास होता तो ऐसा जो प्रॉब्लम क्या होता है? साल को जमा होता है ले जाते हैं, दूसरे कम नहीं जानते हैं। साल कहाँ ले जाते हैं आप? दो दिन में जमा होते हैं सर, हम देते हैं। भैया कैमरे पीछे थोड़ा सा कम बोलेंगे सही रहेगा ना? सरकार रहेगी तो कुछ नहीं रहेगी, आप अखिलेश बुला रहे हैं। शिक्षा के बारे में बोला है आपकी, लगता है आपकी तो अखिलेश को ऐसा आरोप लग रहे हैं, नौकरियाँ दे रहे हैं, सबको रोजगार तो मिल सकता है ना? रोजगार मिल सकता है, सरकार भी तो करें सबको रोजगार। निर्भर भारत बना रही है बीजेपी सरकार। क्या निर्भर बना रही है? ऐसे देख रहे हैं, अरे नहीं आप बता रहे हैं, राशन फ्री दे रही है, पैसा फ्री दे रही है, 2,000 रुपए मुझे रोजगार मिलेगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं आप? राशन दे रहे हैं, जा रहे हैं। क्या नाम? राहुल यादव।
आरक्षण घोटाला के बारे में आरोप लगाएंगे हमारे जाति क्या लग रहा है योगी जी में क्या कमियां रह गई जो आप पसंद नहीं कर रहे? योगी जी में बहुत ही कमियां, एक मान लीजिए कि मंदिर के मठ के पुजारी हैं, दिन को जाके मंदिर में वही मठ में घंटा बजाना चाहिए, वो इसी योगी है। ये मुख्यमंत्री नहीं, ये बिल्कुल एक गुंडे की शक्ल देखिए, शक्ल नहीं लहजे पे बात कर रहा हूं, बिल्कुल लहजे पे बात कर रहा हूं, मुद्दे पे बात कर रहा हूं। यहाँ जो नौजवानों का मुद्दा है, गरीबों का, मजदूरों का मुद्दा है, यानी आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी फैल रही है, यही सब मुद्दे हैं। अब बेरोजगारी इतनी तेजी से फैलती जा रही है, आप देखिए क्या करते हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं? पीजी कर चुके हैं, पीजी कर रहे हैं, कौन कर लेते हैं आपका? अखिलेश यादव को देख करके वो करेंगे। हाँ यही हम पूछने वाले थे, जितने यादव लोग हैं, यादव हमारी हमारी कंप्लीट हो गई, और भी जो लोग हैं वो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनको देख के आप वोट दे रहे हैं या फिर अखिलेश यादव को देख के वोट दे रहे हैं? जी आपका सही क्वेश्चन है, हम यहाँ के उम्मीदवार को देख करके नहीं वोट दे रहे हैं, हम यहाँ बीजेपी से जो मजबूत कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, उनको देख करके मंत्री बनना उनको आप आपकी जाति के इसीलिए जाति के नहीं, यहाँ जाति से मतलब नहीं है, यहाँ भाजपा को हराने के लिए सबसे मजबूत वही है, इसलिए उनकी अगर वो मजबूत अगर बसपा होती तो शायद आप बसपा पे वोट देते। बिल्कुल, अगर भाजपा को यहाँ से हराना होता, भाजपा को हराना है, इसलिए अगर जो भी मजबूत होगा उसी यहाँ पार्टी जाति जाति कोई विशेष नहीं रहा है, यहाँ केवल भाजपा को हराना है। भाजपा की नीतियाँ केवल कुछ गिने चुने जो कहते हैं 20% 80%, ये केवल 20% लोगों की ही अपने नीतियों में अपने जो है रोजगार उन्हीं को देते हैं, बाकी और सबको गिने चुने लोगों को दे देते हैं, कहीं पे ज़्यादातर जातिवादी किसी तरह। आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में हम लोग हैं, लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप देख रहे थे खेल नीति, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक हमारा और चैनल है भारत की बात राय के साथ, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।